हेलो दोस्तों, मैं हूं काशदीप वर्मा। हिंदी वॉइस यूट्यूब चैनल में फ्रीडम फाइटर के इस सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप भी इस सीरीज का हिस्सा बन सकते हैं हमारे चैनल हिंदी वॉइस नोट्स को सब्सक्राइब करके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महान क्रांतिकारी सुखदेव थापर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सुखदेव थापर एक भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। सबसे पहले हम लोग सुखदेव थापर का सामान्य परिचय देखते हैं। देखिए, सुखदेव थापर, इनके पिता का नाम था रामपाल थापर और इनकी माता का नाम था रली देवी। इन दोनों से 15 मई 1907 को लुधियाना पंजाब में जन्म हुआ था सुखदेव थापर का। रामपाल थापर रली देवी से 15 मई 1907 को लुधियाना पंजाब में जन्म हुआ था सुखदेव थापर का। सुखदेव थापर का प्रारंभिक जीवन बीता लायलपुर में और उनकी शिक्षा हुआ नेशनल कॉलेज से। नेशनल कॉलेज का स्थापना कांग्रेस के बड़े नेताओं के द्वारा किया गया था, जिसमें प्रमुख थे लाला लाजपत राय। और इसी कॉलेज में पढ़ते हुए सुखदेव थापर सदस्य बनते हैं HSRA अर्थात हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, और यह एक क्रांतिकारी संगठन था। और इसी संगठन में जुड़े हुए वह अपने कॉलेज के युवाओं को शिक्षित करते हैं, प्रेरित करते हैं, उनके मन में देश प्रेम की भावना जागृत करते हैं। और इसी के साथ जुड़े हुए सुखदेव थापर नौजवान सभा का गठन करते हैं 1926 में। उनके साथ ही थे भगत सिंह भगवती चरण वोहरा के साथ मिलकर वह लाहौर में नौजवान सभा का स्थापना करते हैं 1926 में। देखिए, सुखदेव थापर मात्र 23 वर्ष की आयु में शहीद होकर भारत की आज़ादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उसके बाद देखते हैं लाहौर षड्यंत्र। देखिए, साइमन कमीशन, जब साइमन कमीशन भारत आया था तो पूरे भारत में इसका विरोध हुआ था, क्योंकि यह समीक्षा करने आ रहा था एक्ट 1919 का, और इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, जिसके कारण पूरे भारत में साइमन कमीशन का विरोध हुआ था। तो लाहौर से जो विरोध हो रहा था उसका नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय। तो एक अंग्रेज अधिकारी है सैंडर्स, यह विरोध के दौरान लाठीचार्ज का आदेश दे देते हैं। और एक अंग्रेज सिपाही है जॉर्ज स्टॉक, इसकी लाठी लगने से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। और इसी के मौत का बदला लेते हैं सुखदेव, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। और 1928 में ये लोग सैंडर्स की हत्या कर देते हैं, जिसे कहा जाता है लाहौर षड्यंत्र या सैंडर्स हत्याकांड। उसके बाद देखते हैं भूख हड़ताल। देखिए, 1929 में जेल भूख हड़ताल में सुखदेव थापर ने अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। देखिए, लक्ष्य यह था कि जेल की स्थिति को सुधारना तथा भारतीय कैदियों को यूरोपीय कैदियों के समान सुविधाएं दिलाना। उस समय दुर्व्यवहार किया जाता था भारतीय कैदियों के साथ और उन्हें अच्छा खाना भी नहीं दिया जाता था यूरोपीय कैदियों के मुकाबले। उसके बाद देखते हैं गांधी जी को पत्र, सुखदेव थापर का गांधी जी को पत्र। देखिए, पत्र में तो उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी, बहुत सारे कटाक्ष किए, लेकिन जो अपने प्राण का मोह ना करते हुए शब्द लिखा था वह मैं आपको बताता हूं। देखिए, सुखदेव थापर ने लिखा कि देश में उनको अपराधी ठहराने से इतना बदलाव नहीं आएगा जितना उनको फांसी दिए जाने से आएगा, यह सुखदेव थापर ने अपने पत्र में लिखा था। उसके बाद देखते हैं शहीद दिवस। देखिए, सैंडर्स हत्याकांड के कारण भगत सिंह, सुखदेव थापर और राजगुरु को सजा सुनाया जाता है 7 अक्टूबर 1930 को, कि उनको फांसी दिया जाएगा 24 मार्च 1931 को। इस डेट को परिवर्तन करते हैं 17 मार्च 1931 को पंजाब के गृह सचिव के द्वारा, और नया डेट निकाला जाता है फांसी का 23 मार्च 1931 को, और इसी दिन उनको फांसी दे दिया जाता है सुखदेव थापर, भगत सिंह और राजगुरु को, जिसके कारण हम लोग 23 मार्च 1931 से आज तक शहीद दिवस मनाते हैं इस दिन को। देखिए, उनको फांसी दिया गया था शाम को 7:30 बजे, और फांसी देने के पूर्व परिवार से मिलने का मौका भी नहीं दिया गया था, और फांसी देने के बाद परिवार को अंतिम संस्कार का भी मौका नहीं दिया गया था। उनको फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 को, जिसको हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस पार्ट में हम लोगों ने सुखदेव थापर के बारे में पढ़ा, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग राजगुरु के बारे में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।